इस चीज़ के अंदर बात करें, डेटिंग टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, और या फिर 20, जैसे कि आपके फ़ोन में 16-17 बज रहा है तो उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं आप, 12 आवर वाला सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डेटिंग टाइम सेट करने के सही तरीके नोकिया के फ़ोन में। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन तभी दिखेगा जब यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करेंगे। जब सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑफ़ कर देना है इसको। जैसे ऑफ़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके अपना टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और ये टाइमिंग सेट करने से पहले आपको ये 24 आवर वाला बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सही टाइम दिखेगा तो यहाँ से टाइमिंग वगैरह सेट करके, और यहाँ पे AM PM भी कर सकते हैं, यहाँ से ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 16-17 बज रहा था वो हट चुका है, अब यहाँ पे टाइम सही शो हो रहा है। तो गाइस इसी प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।